एक्टिंग के साथ साथ सर आप लोगों में टी शर्ट ऐसा हो गया तो कभी देखते तब स्क्रीन पे लिखता हुआ दिखता बहुत अच्छा पोइट्री करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं सर ऐसा आगे हो सकता है कि आप कोई मूवी भी लिखें हाँ हो सकता है क्यों नहीं कुछ भी हो सकता है सर मुझे ऐसा लगता है आप लिखेंगे बहुत अच्छा लिखेंगे ये सवाल प्योरली एज अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टर एक लेवल पे पहुंचने के बाद अनरीचेबल क्यों हो जाता है बिकॉज अब क्या हो रहा है कि सारी स्क्रिप्ट्स मैनेजर के पास जा रही है क्या एक्चुअल में मैनेजर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जी अगर 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 एक्टर सी मैनेजर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर द टैलेंट मेरे पास जनरली ऐसा होता है कि अगर जो स्क्रिप्ट आ रही है वो कभी मैनेजर्स के पास नहीं हटती इट विल कम टू बट होता क्या है कि एक आपकी भी एक टाइम है आपके पास आपकी आप स्क्रिप्ट इसलिए पहुंच रही है कि आप पहली बात तो आप बिजी हो जब खाली होते कोई कोई किसी और स्क्रिप्ट लेके नहीं आया आप जब बिजी हैं भगवान की तरह से बहुत सारे स्क्रिप्ट आ रहे हैं बट क्योंकि आप बिजी हो और आपके पास एक वक्त की लिमिटेड मतलब एक्चुअली शॉर्टेज है तो उन स्क्रिप्ट को पढ़ने में वक्त लगने वाला है तो होता क्या है जनरली ऐसा मान लिया जाता है कि अरे ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं अब वो बेचारे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं जेन्युइनली बहम होता हूँ कि यार मैं इसको क्या बोलूँ मैं तो भी पढ़ी तो मैं थोड़ा सा सर थोड़ा टाइम हो बोल बोलते और मैंने बहुत माफ़ी मांगता हूँ उस बात के लिए कि सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और तो फ़ोन पे ईमेल इसलिए मेरे पास पाम स्क्रिप्ट पड़ी हुई हार्ड कॉपी क्योंकि फ़ोन पे तो मैं ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाऊँगा उसको और अगर पढ़ भी लिया तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है आई एम श्योर जिनके पास भी आपने स्क्रिप्ट भेजी है उनसे एक बार आप थोड़ा सा और टच में रहिए आई एम श्योर थोड़े बिजी होंगे आप मेरी बात तो नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मेरी स्क्रिप्ट भेजी है मैंने मैनेजर के पास है मेरा जवाब नहीं आया नहीं उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा बट आई एम जस्ट सेइंग कई बार ऐसा हुआ है कि मैनेजर्स ही पढ़ के बोल देते हैं कि नहीं इस तरह का सिनेमा इनको अभी नहीं करना है और वो चीज बन जाती है और एक्टर से जब वन टू वन मिलते बोले यार मेरे पास क्यों नहीं भेजी ये तो मुझे करनी थी इट्स लाइक दैट कभी कभी ऐसा हुआ है हाँ हुआ होगा ऐसा हो जाता होगा आई एम श्योर ऐसा हो जाता होगा क्योंकि क्या होता है मैनेजर्स की सेंसिबिलिटी की बात करना चाह रहा था बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है वो भी अपना काम कर रहे होते हैं उनको भी अपने टैलेंट को ग्रो करते हुए देखना है क्योंकि ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना कि आप मिनट से पहले टाइपकास्ट होंगे आता लोग के बाद हर स्क्रिप्ट हैरान क्यों आ रही है मैं क्यों करूँ उसको पर मैं बोलता हूँ ना बुरा लगूंगा लोगों ने मुझे ये तक कहा कि सर ये है ना पाताल लोग बड़े जोर में आर यू सीरियस मैं क्यों करूं इसको जब पाताल लोग वाले जोर में मैं पाताल लोग कर चुका हूं भाई मुझसे क्यों करवा रहा है और मैं नहीं करूंगा पर मैं बोलूंगा ना तो बुरा लग जाएगा तो ये लोग भी अपने हिसाब से शेप कर रहे होते हैं कि मेरे टैलेंट का ये शेप है उन्होंने चार फिल्म में ये करनी वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि वो अगर उनका टैलेंट ग्रो हो रहा है तो वो भी ग्रो हो रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है हो सकता है कई बार उनको लगता है कि यार वो भी आपके सजेशन तो देंगे ना कि सर ये फिल्म करो इसका ये इसके ये रिपरकशंस होने वाले हैं इसका ये फायदा होने वाला है आप ठीक है बड़ा रोल नहीं है पर इसके यही आदमी आगे दो फिल्में और बना रहा है लोग डिजाइन करते हैं भाई अपने अपने क्राफ्ट को तो लोग करियर पे तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे आप अपना डिजाइन करते हैं ना कि अच्छा यार मैं बिजनेस में हूँ तो अभी मैं ये चीज़ें खरीद लेता हूँ शेयर मार्केट पूरा डिजाइनिंग पर चल रहा है ना कि अभी ये खरीद लो अभी ये छोड़ दो अभी ये तो लोग कर रहे हैं अपना अपना काम आई एम श्योर उनके भी रीजन होंगे कोई।